हेलो एंड वेलकम टू बैंक फोर. यहाँ पर हम लोग आपके वोकैबुलरी सेशन के साथ हाजिर हैं. जल्दी से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं और आज के इस क्लास के माध्यम से हम कुछ बहुत ही ज़रूरी वर्ड्स को लर्न करेंगे. ठीक है, दीज आर इम्पोर्टेंट वर्ड्स व्हेन यू टॉक अबाउट योर वोकैबुलरी. ठीक है, फ्रॉम योर वोकैब पर्सपेक्टिव ये सारे के सारे वर्ड्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो विदाउट मच अडू लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छी तरह से अपने बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं पूरे के पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए. देरी नहीं करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को. हम यहाँ पर आपके वोकैब सेशन के साथ हाजिर हैं. आज का आपका पहला वर्ड है ऑर्निट. आज का आपका पहला वर्ड है ऑर्निट. ऑर्निट का क्या अर्थ होता है? जब भी आप किसी चीज़ को सजा देते हैं, सजावट कर देते हैं, ठीक है, उसे जब आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा बना देते हैं, ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सजा रहे हैं, एक तरह से डेकोरेट कर रहे हैं, अडोन कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं या अडोन कर रहे हैं, उसके लिए हम ऑर्निट शब्द का प्रयोग करते हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं ही यूजेस ऑर्निट लैंग्वेज टू कन्वे हिज मैसेजेस. ठीक है, तो जब आप बहुत ही ज़्यादा सजावटी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हम ऑर्निट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा आप गार्निश कर रहे हैं, जैसे अगर आपने सब्जी बना ली है उसे बहुत ही सजावटी तरीके से अगर आप करते हैं तो दैट्स ऑर्निट. ओके, प्लीज़ रिमेंबर इसके एंटोनिम क्या हो जाते हैं. प्लेन, कोई भी चीज़ जो प्लेन है, सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा प्लेन है, उसके लिए ये आपके ऑर्निट के एंटोनिम हो जाएंगे. ठीक है, अच्छा एक और शब्द आपका जो है वो है ऑर्थोडॉक्स. एक और शब्द जो आपका है वो है ऑर्थोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स का अर्थ हो जाता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, जो कोई बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एक तरह से स्टेटस को का पालन कर रही है. स्टेटस को यानी कि एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ इवेंट्स. स्टेटस को यानी कि एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, मतलब कोई भी चीज़ जो परंपरागत तरीके से है, कोई भी चीज़ जो ट्रेडिशनल तरीके से है, कस्टमरी तरीके से है, ठीक है, कन्वेंशनल तरीके से है, तो उसके लिए हम ऑर्थोडॉक्स शब्द का प्रयोग करेंगे. ठीक है, सो कोई भी चीज़ जो कन्वेंशनल है, कोई भी चीज़ जो ट्रेडिशनल है, कोई भी चीज़ जो कस्टमरी है, उसके लिए आप ऑर्थोडॉक्स शब्द का प्रयोग करेंगे. उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ऑर्थोडॉक्स शब्द का प्रयोग करेंगे. ओके, सो प्लीज़ रिमेंबर दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा कई बार क्या होता है कि हम लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं. ठीक है, सो अगर हम डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, आज पढ़ूँ कल पढ़ूँ, आज करना चाहिए कल करना चाहिए, आज स्टार्ट करूँ पढ़ाई या कल स्टार्ट करूँ, तो आप क्या कर रहे हैं, आप वैसिलेट कर रहे हैं, आप ऑसिलेट कर रहे हैं, आप वैसिलेट कर रहे हैं, आप ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब कि आप एक तरह से एक दुविधा में हैं, इधर उधर, जैसे आपका पेंडुलम होता है ना, यहाँ से वहाँ पर जाता रहता है पेंडुलम. ठीक है, तो आप इधर उधर हो रहे हैं, आप एक स्थिर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इधर उधर हो रहे हैं. ठीक है, तो आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वैसिलेट कर रहे हैं. ठीक है, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वैसिलेट कर रहे हैं, ऑल्टरनेट कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑसिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है. लेकिन अगर आप स्टेडी हैं, स्थिर हैं, तो वो उसका एंटोनिम हो जाता है. ठीक है, सो ऑसिलेट करना, जब आप एक निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, आई वॉज ऑसिलेटिंग टू फिगर आउट व्हाट शुड आई वेयर फॉर द मैरिज पार्टी. ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं. ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल यानी कि दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है. ऑस्टेंसिबल यानी कि दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है. ठीक है, तो एक तरह से ऐसा प्रकट हो रहा है, एक तरह से ऐसा अपैरेंट है. अपैरेंट एक इम्पॉर्टेंट समानार्थी है. ठीक है, तो ऐसी चीज़ लग रही है, सीमिंग है, ऐसा लग रहा है. ठीक है, द ऑस्टेंसिबल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ ऑयल हिंट्स एट अनदर मेजर रिसेशन कमिंग. ठीक है, तो ऑस्टेंसिबल. ऑस्ट्रोसाइज, जब आप किसी को बिल्कुल एकदम से आप कह सकते हैं डिसअलाउ कर देते हैं कम्युनिटी का पार्ट होने से, जब आप किसी व्यक्ति को बिल्कुल ही हटा देते हैं कम्युनिटी से. ठीक है, तो जब आप सामाजिक अधिकारों से किसी को बहुत ही ज़्यादा वंचित कर देते हैं, वंचित कर देना सामाजिक अधिकारों से, किसी व्यक्ति को सामाजिक अधिकारों से वंचित कर देना, किसी व्यक्ति को सामाजिक अधिकारों से वंचित कर देना इज ऑस्ट्रोसाइज. ही ऑस्ट्रोसाइज्ड हर फ्रॉम द कम्युनिटी. तो जब आप किसी को एक्सक्लूड कर देते हैं, शन कर देते हैं, ठीक है, बैनिश कर देते हैं, एक्सकम्युनिकेट कर देते हैं. ठीक है, तो जब आप किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है, किसी को मना कर देते हैं कि आप इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, यू ऑस्ट्रोसाइजिंग देम. जैसे अगर तीन लोग हैं और उन तीन लोग में से दो लोग साथ हो जाते हैं और एक लोग को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, ऑस्ट्रोसाइज कर देते हैं. ठीक है, तो जब आप सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिए जाते हैं, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड
were ostracized. Okay, let's just quickly come on to some other important words. आपका एक और important word है outlandish. Outlandish का अर्थ होता है कोई भी चीज़ जो out of the center है, कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, विचित्र है या अपरिचित है. ठीक है, विचित्र है, बिल्कुल weird है. अच्छा बच्चे, please यहाँ पर याद रखिएगा weird. ठीक है, weird के ये आपके सही spellings होते हैं. ठीक है, weird के ये आपके सही spellings होते हैं ei, weird के ये सही spellings होते हैं. Please remember this, this is extremely crucial. तो ये आपका weird हो जाता है, कोई भी चीज़ जो bizarre है, weird है, कोई भी चीज़ जो strange है, peculiar है, strange है, peculiar है, weird है, outlandish है. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, outlandish. the outlandish dress worn by Lady Gaga. तो Lady Gaga एक celebrity हैं जो कि अपने outlandish style के लिए जानी जाती हैं. ठीक है, उनके कपड़े अगर आप देखेंगे तो कभी मीट चिपका लेती हैं, कुछ करती रहती हैं, बिल्कुल outlandish है, अजीब है, विचित्र है. ठीक है, चीज़ याद रख सकते हैं. Outmoded यानी कि पुराने ज़माने का, outmoded यानी कि पुराने ज़माने का, फैशन से बाहर या पुराना is outmoded. कोई भी चीज़ जो फैशन से परे हो गई है, फैशन से बाहर हो गई है, ठीक है, पुरानी हो गई है, कोई भी चीज़ जो आप कह सकते हैं outdated है, obsolete हो गई है, that's outmoded. We can also call it antediluvian. That means कि ये outmoded हो गई है, पुरानी हो गई है, so that's old fashioned और anachronistic. ठीक है, so this is something that we can remember. ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ओवरबेयरिंग. दैट मीन्स समवन इज एक्सट्रीमली कंसीटेड. दैट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होता है, हॉटी होता है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता है. तो डोमिनियरिंग और एरोगेंट. और यू कैन ऑल्सो कॉल दिस पर्सन एज हॉटी, ओवरबेयरिंग, कंसीटेड, पॉम्पस, एक्सट्रीमली एरोगेंट. ओके, सो हॉटी हो गया, डू रिमेंबर हॉटी, कंसीटेड, एरोगेंट, डोमिनियरिंग, ओवरबेयरिंग, राइट. पॉम्पस इज अनदर वर्ड दैट यू कैन रिमेंबर. सो पॉम्पस इज ऑल्सो द सेम मीनिंग. दैट मीन्स कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझना एंड दूसरे को नीचे समझना. कंसीटेड, ओवरबेयरिंग, डोमिनियरिंग, इम्पीरियस, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर. Okay, now some other important words that you're having, palatial, something that is lavish. कोई भी चीज़ जो lavish है, बहुत ही सुंदर है, राजाओं के महल के जैसी है, extravagant है, grand है, something that is grand, विशाल एवं भव्य या राजसी है. So lavish is important, extravagant is important, grand is important. कोई भी चीज़ जो palatial है, palatial, बहुत ही ज़्यादा विशाल है, बहुत ही ज़्यादा भव्य है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. सो समथिंग दैट इज़ palatial. ओके, यू नीड टू रिमेंबर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. उसी तरह से कुछ और आपके वर्ड्स विच आर कॉमनली सीन इन योर एग्जाम्स. One word is panacea. Panacea यानी कि एक तरह का cure, remedy or medicine. So एक तरह की proper दवाई, एक तरह की उचित दवाई, रामबाण. That is when we are using the word panacea. So panacea is when you are having a proper remedy, proper medicine, एक तरह से उचित दवा है, रामबाण है. That is when we are calling it a panacea. Okay, so we need to remember, this is important. ठीक है, paradox, contradiction, एक तरह से ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा absurd है, contradict कर रही है. For example, if you're saying we should do this but we must not take this step, so that's a paradox. ठीक है, that's a contradiction. So paradox is also equally important. Parochial, इसकी spellings भी ध्यान में रखनी है, because this is an important word. Parochial is जब आप बहुत ही ज़्यादा narrow minded हो जाते हैं. ठीक है, जब आप एक बहुत ही कट्टर सोच रखते हैं, उसके बाहर आप कुछ सुनते नहीं है किसी की, that is when we are using the word parochial, right? The parochial concerns of the society. So parochial क्या हो जाता है? Parochial हो जाता है जब आप बहुत ही ज़्यादा narrow-minded हो रहे हैं, limited हो रहे हैं, bounded हो रहे हैं. That is when we are using the word parochial. Extremely limited, extremely bounded, extremely narrow. That is when we are using the word parochial.
पार्सिमोनियस 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 कंजूस राइट. जब आप बहुत ही ज़्यादा थ्रिफ्टी हो जाते हैं, थ्रिफ्टी यू कैन रिमेंबर यू ओनली स्पेंडिंग 350 रुपीज़, दैट मीन्स यू बीइंग वेरी फ्रुगल. बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल हो रहे हैं, सेविंग हो रहे हैं, कंजूस हो रहे हैं, माइसरली हो रहे हैं. सो दैट इज़ वेन वी आर यूजिंग द वर्ड पार्सिमोनियस. दैट इज़ वेन वी आर यूजिंग द वर्ड पार्सिमोनियस. दैट इज़ वेन वी आर यूजिंग द वर्ड पार्सिमोनियस पार्सिमोनियस वन एक्सट्रीमली फ्रुगल. जब आप बहुत ज़्यादा फ्रुगल हो गए हैं, थ्रिफ्टी हो गए हैं, यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ योर मनी. जो आप बहुत ज़्यादा अपना मनी को स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड पार्सिमोनियस. पार्सिमोनियस फ्रुगल, बहुत कम पैसा स्पेंड करना. यू आर बीइंग वेरी इकोनॉमिकल, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड पार्सिमोनियस. पार्सिमोनियस ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं. पॉसिटी इज़ वन यू हैव अ शॉर्टेज. पॉसिटी इज़ वन यू हैव अ शॉर्टेज और डर्थ. ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ की पॉसिटी हो जाती है, वेन एवर यू आर फेसिंग पॉसिटी ऑफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल देर इज पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज करंटली, और देर इज अ पॉसिटी ऑफ ट्रैवल व्हीकल्स राइट नाउ. ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, वेन एवर देर इज समथिंग विच इज़ इन डर्थ, प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, किसी चीज़ की स्केर्सिटी है, डर्थ है, स्कैंटीनेस है, दैट इज़ वेन वी आर यूजिंग द वर्ड पॉसिटी. दैट इज़ वेन वी आर यूजिंग द वर्ड पॉसिटी. पॉसिटी वन समथिंग इज इन अ वेरी, जब भी किसी चीज़ की शॉर्टेज हो रही है, समथिंग इज इन अ वेरी लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट, दैट इज़ वेन वी आर यूजिंग द वर्ड पॉसिटी. ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. पिक्यूनरी, पिक्यूनरी समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू मनी. जब आपके मनी रिलेटेड कॉजेज होते हैं, धन संबंधित कॉजेज होते हैं, आर्थिक भी इनको बोल सकते हैं, जैसे आजकल पिक्यूनरी कंसर्न्स हैं. ठीक है, तो पिक्यूनरी इज समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू मनी, समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, फिस्कल और इकोनॉमिक टर्म्स. सो समथिंग देन इट्स कॉल्ड पिक्यूनरी. तो धन संबंधित, आर्थिक संबंधित, समथिंग दैट इज़ फाइनेंशियल, फिस्कल और इकोनॉमिक, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड पिक्यूनरी. दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग the word pecuniary. पीविश का क्या अर्थ हो जाता है? पीविश का अर्थ हो जाता है जब बहुत ही ज़्यादा आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं, इरिटेबल हैं, बैड टेम्पर्ड हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग पीविश. दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड पीविश. पीविश क्रैंकी, इरिटेबल, बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़े हो गए हैं, कर्कश हो गए हैं, बदमिजाज हो गए हैं, दैट इज़ जब आप पीविश शब्द का प्रयोग करेंगे. ठीक है, पेंशेंट इज़ व्हेन यू हैव एन इंटरेस्ट, फाउंडनेस या फिर एक तरह का झुकाव है किसी चीज़ को लेके, तो यू हैव अ पेंशेंट something. Penchant for something, that means कि fondness है, proclivity है. Proclivity is also another important word that you can remember. तो किसी चीज़ की विशेष रुचि है, किसी चीज़ का विशेष desire है, liking है, fondness है. You have a penchant for something, proclivity for something. ठीक है, झुकाव है एक तरह से, या विशेष रुचि भी इसको बोल सकते हैं. विशेष रुचि है, fondness है, proclivity है, that is when we are using the word penchant. इसका antonym हो जाएगा aversion. You don't like, you dislike something. There's no interest absolutely whatsoever. ठीक है, सो पेंशन फॉर समथिंग दैट मीन्स यू हैव एन इंटरेस्ट फॉर समथिंग एंड अ प्रोक्लिविटी है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर. ओके, नाउ हियर वी हैव अनदर वर्ड विच इज़ वेरी कॉमन, और ये वर्ड है आपका पेनिटेंट. ये वर्ड है आपका पेनिटेंट. पेनिटेंट इज़ अनदर वर्ड विच इज़ एक्सट्रीमली कॉमन. पेनिटेंट का क्या अर्थ हो जाता है? पेनिटेंट इज़ व्हेन यू आर एक्सट्रीमली सॉरी, यू आर वेरी सॉरी, बहुत ही रिमोर्सफुल हो गए हैं, यू आर वेरी अपोलोजेटिक राइट. सो एक तरह से आप पेनिटेंट हो रहे हैं, जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, कंट्राइट हो रहे हैं. रूफुल इज़ इम्पॉर्टेंट वर्ड, रिपेंटेंट, और यू कैन ऑल्सो यूज़ द वर्ड apologetic, or you can also use the word apologetic. ठीक है, तो उसके लिए आप penitent शब्द का प्रयोग करेंगे. penitent जब आप बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप कर रहे हैं, contrite हैं, rueful हैं, repentant हैं. ठीक है, तो that is when we are using the word penitent. that is when we are using the word penitent. ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर आप बहुत ही गहरी सोच में डूब गए हैं, सो यू आर इन अ पेंसिव मूड. यू आर इन अ पेंसिव मूड. ठीक है, दैट मीन्स आप कंटेम्पलेटिव मूड में चले गए हैं, ब्रूडिंग कर रहे हैं, गंभीर मुद्दे पे आप कुछ सोच विचार कर रहे हैं, विचार मग्न हो गए हैं, विचार मग्न हो गए हैं. ही वॉज इन अ पेंसिव मूड आफ्टर हियरिंग अबाउट द 21-day लॉकडाउन. ठीक है, तो पेंसिव मूड जब आप बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, कंटेम्पलेट करने लग जाते हैं, ब्रूड करने लग जाते हैं, यू आर इन अ पेंसिव मूड. यू आर इन अ पेंसिव मूड. ठीक है, यू आर इन अ पेंसिव मूड. ये चीज़ आप यहाँ पर
ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है? दिस इज समथिंग दैट यू कैन रिमेंबर. समथिंग इज पेरिफेरल, दैट मीन्स समथिंग इज अनइम्पॉर्टेंट. समथिंग इज अनइम्पॉर्टेंट, इट्स पेरिफेरल, ठीक है? टेंजेंशियल है, मार्जिनल है, साइडलाइन है, पेरिफेरल. दिस इज अ पेरिफेरल इशू. राइट नाउ वी नीड टू फोकस ऑन कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ COVID-19, ठीक है? पेरिफेरल समथिंग दैट इज अनइम्पॉर्टेंट, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड पेरिफेरल. ओके, एक और वर्ड विच इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज पर्निकिटी. पर्निकिटी इज अनदर इम्पॉर्टेंट वर्ड विच इज एन एडजेक्टिव. पर्निकिटी इज अनदर इम्पॉर्टेंट वर्ड. पर्निकिटी का क्या अर्थ हो जाता है? पर्निकिटी का अर्थ हो जाता है फास्टीडियस. पर्निकिटी का क्या अर्थ हो जाता है? पर्निकिटी का अर्थ हो जाता है फास्टीडियस. समवन हु इज एक्सट्रीमली पर्टिकुलर अबाउट डिटेल्स. एक तरह से नकचड़ा है, बाल की खाल निकालने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बाल की खाल निकालने वाला हो गया. उसके लिए हम पर्निकिटी शब्द का प्रयोग करेंगे. समवन हुज वेरी फिनकी, वेरी फसी, वेरी चूजी, वेरी पर्टिकुलर. हर शी इज हैविंग अ पर्निकिटी टेंडेंसी ऑफ लुकिंग एट डिटेल्स, ठीक है? सो पर्निकिटी दैट इज व्हेन यू आर फास्टिडियस, व्हेन यू आर वेरी ओवर पर्टिकुलर, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, तो उसके लिए हम पर्निकिटी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं. प्लीज रिमेंबर द स्पेलिंग्स ऑल्सो, ये भी आपके लिए जरूरी हो जाती है. चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर. नेक्स्ट इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये है आपका परक्विजिट. परक्विजिट, परक्विजिट का क्या अर्थ हो जाता है? परक्विजिट का अर्थ हो जाता है समथिंग दैट इज एन एडवांटेज. दिस इज नॉट प्री रिक्विजिट, ठीक है? इसे कंफ्यूज मत करना. दिस इज परक्विजिट. परक्विजिट का क्या अर्थ हो जाता है? जब भी आपको किसी चीज का लाभ हो रहा है, ठीक है? जब भी आपको किसी चीज का लाभ हो रहा है, एडवांटेज हो रही है, जब भी आपको कोई चीज बोनस में मिल रही है, उसके लिए आप परक्विजिट शब्द का प्रयोग करेंगे. उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप परक्विजिट शब्द का प्रयोग करेंगे. परक्विजिट का क्या अर्थ हो जाएगा? परक्विजिट का अर्थ हो जाएगा व्हेन देयर इज समथिंग व्हिच इज एडवांटेजेस फॉर यू, नॉट डेट्रीमेंटल. डेट्रीमेंटल इसका एंटोनिम हो जाएगा. सो परक्विजिट समथिंग दैट इज एडवांटेजेस, समथिंग दैट इज अ बोनस, ठीक है? तो उसके लिए परक्विजिट शब्द का यूज होगा. Perspicacious, perspicacious, perspicacious is जब आप बहुत ही ज़्यादा erudite होते हैं. Perspicacious, perspicacious when you are erudite, wise है, sagacious है, astute है, insightful है, बुद्धिमान है, चतुर है, तो उसके लिए हम perspicacious शब्द का प्रयोग करते हैं. Please remember these words and their spellings also because ये आपके लिए ज़रूरी हो जाती है, ठीक है? So do remember this word because this becomes extremely important. Pervasive, present everywhere, हर जगह पे मौजूद है. Something that is present everywhere, व्यापक है, general है. That is when we are using the word pervasive. Pervasive, okay? Phony, something that is fake, something जो कि नकली है, झूठा है, counterfeit है, spurious है या perfidious है. Perfidious है, perfidious है, spurious है, false है. That is when we are using the word phony, ठीक है? बुरा है, malified है, malified, okay? Something that is not pure, something that is not खालिस. खालिस नहीं है, pure नहीं है, नकली है, झूठा है, उसके लिए आप phony शब्द का प्रयोग करेंगे. Something that is spurious, something that is counterfeit, something जो कि बिल्कुल fake है, that is when we are using the word phony. That is when you are using the word phony. Okay, now this is prerequisite. अभी तक हम लोगों ने देखा था perquisite. Perquisite was something that is a bonus or an advantage, ठीक है? Or a benefit. Prerequisite. Prerequisite, that means this is important. ये mandatory है, इसकी ज़रूरत है, ठीक है? For example, it's important for you to clear maybe your graduation with say first division if you want to give this exam. तो ये इसका prerequisite है, ठीक है? इसकी ज़रूरत है, इसकी precondition है, तभी आप इस exam को दे पाओगे, ठीक है? So something that is a prerequisite, something that is a prerequisite, that means it's a precondition, that means it's a precondition or a requirement, ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए आप prerequisite शब्द का प्रयोग करेंगे. Prerogative, this is my prerogative, this is my right, this is my prerogative, that means this is my right, this is my prerogative, that means this is my right. Mera hak hai, mera right hai, mera privilege hai. That is when we are using the word prerogative. This is a prerogative of the minister to provide food to all the poor people who cannot afford during the lockdown, theek hai? So prerogative ek tarah se aapka right hai, ek tarah se aapka privilege hai, ya ek tarah se aap keh sakte hain prerogative ka voting is my prerogative. ये ज़्यादा बेटर एक स्टेटमेंट हो जाएगा, दैट वोटिंग इज़ माई प्रेरोगेटिव. सो प्रेरोगेटिव आपका राइट है, आपकी प्रिविलेज है, आपका हक है, ठीक है? एक तरह से आपका अधिकार है, ठीक है? सो दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड प्रेरोगेटिव. प्रेरोगेटिव, राइट? सो दैट बिकम्स एक्सट्रीमली
क्रूशल, प्रीवैरिकेट, प्रीवैरिकेट जब आप डिविएट करते हैं फ्रॉम ट्रूथ, ठीक है, तो किसी को झूठ बोलना, जब आप किसी को झूठ बोलते हैं यू आर प्रीवैरिकेटिंग फ्रॉम द नॉर्म. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर प्रीवैरिकेटिंग फ्रॉम द नॉर्म. किसी को जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप गोलमोल बात करते हैं, जब आप घुमा फिरा के बात करते हैं, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर प्रीवैरिकेटिंग. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर प्रीवैरिकेटिंग. ट्रूथ से डिविएट करना, ट्रूथ से दूर चले जाना, गोलमोल बात करना, प्रीवैरिकेट. द मिनिस्टर्स वर प्रीवैरिकेटिंग ऑन द इशू, ठीक है. सो प्रीवैरिकेट करना, व्हेन यू डिविएट फ्रॉम रियलिटी, व्हेन यू डिविएट फ्रॉम रियलिटी यू आर नॉट एबल टू इनन्सिएट. आप जब बोल नहीं पा रहे हैं रियलिटी को, यू आर प्रीवैरिकेटिंग. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर प्रीवैरिकेटिंग, ठीक है, प्रीवैरिकेटिंग, ठीक है. सो दिस बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. Pristine, something that is pure, something that is unspoiled, immaculate, immaculate, flawless, fresh hai, original hai, asli halat mein hai, theek hai. To jaisi cheez thi waisi ki waisi pure hai, pavitra hai. That is when we are using the word pristine, theek hai. That is when we are using the word pristine. Okay, another word which is extremely crucial is profane. ये भी बहुत commonly आपकी exams में पूछा जाता है banking के related. कोई भी चीज़ which is अपवित्र, कोई भी चीज़ that is literally आप कह सकते हैं जब आप irreligious कार्य करते हैं, और irreligious कार्यों के लिए blasphemous शब्द important हो जाता है. इससे related RC passages भी आते रहते हैं. So something that is आप हिंदी में अगर बोलें तो अधार्मिक है, irreverent है, irreligious है, sacrilegious है. Remember the spellings of the word sacrilegious or blasphemous. Sacrilegious or blasphemous, ठीक है. That is when we are using the word profane, ठीक है. So blasphemous हो गया, irreverent हो गया, irreligious हो गया, sacrilegious हो गया. That is when we are using the word profane. Blasphemous is important. कई सारे countries में blasphemy laws भी हैं. That means you can't really speak against the religion of that state, ठीक है. So profane, when you're going against the religion, when you're going against the religion, तो profane शब्द का यूज करेंगे. Profligate, हम लोगों ने अभी देखा था, when we saw the word frugal, when we saw the word parsimonious. Parsimonious क्या था? Parsimonious was you're very miserly, you don't want to spend, आप बहुत ज़्यादा कंजूस हैं. Profligate is when you spend, overspend rather, ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा extravagantly spend करते हैं. When you're wasteful, when you're extravagant, when you're spendthrift, when you're reckless, right, that is when we are using the word profligate, that is when we are using the word profligate, ठीक है. तो जब आप बहुत ही ज़्यादा फिजूल खर्ची करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा फालतू का खर्चा करते हैं, वी आर यूजिंग द वर्ड प्रोफ्लिगेट फॉर दैट, ठीक है. प्रोफ्लिगेट का प्रयोग करते हैं हम उसके लिए जब आप स्पेंडथ्रिफ्ट है. पार्सिमोनियस जब आप फ्रुगल हैं, माइसरली हैं. लेकिन प्रोफ्लिगेट इज जब आप फिजूल खर्ची करते हैं, एक्सट्रावेगेंट हैं, स्पेंडथ्रिफ्ट हैं. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. ओके, प्रोग्नोसिस यानी कि पूर्वानुमान लगा देना. प्रोग्नोसिस यानी कि पूर्वानुमान लगा देना. प्लीज रिमेंबर द वर्ड हार्बिंजर ऑल्सो. हार्बिंजर का भी अर्थ हो जाता है व्हेन समथिंग इज ट्राइंग टू लिटरली हेरल्ड, या एक तरह से इंडिकेट कर रहा है, फोरकास्ट कर रहा है. सिमिलरली वी हैव द वर्ड प्रोग्नोसिस जब आप एक तरह से फोरकास्ट कर रहे हैं, पूर्वानुमान लगा रहे हैं. द प्रोग्नोसिस ऑफ द disease is not good, right? कोरोना वायरस से अभी क्यों महामारी हो गई है? Because we've not come at the proper diagnosis of the thing. तो prognosis नहीं अच्छा है इसीलिए, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग इस तरह के lockdown कर रहे हैं. Another word that's extremely important is promiscuous, ठीक है. Promiscuous का अर्थ हो जाता है एक तरह से जब आप आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता है. ये अधिकतर अगर कोई रिलेशनशिप में है और दूसरे व्यक्ति के पास जा रहा है, यू कॉल दैट पर्सन एज promiscuous, राइट. Promiscuous दैट मीन्स कि आप एक तरह से बेवफाई कर रहे हैं. दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड promiscuous. रिमेंबर द स्पेलिंग्स, ये दो बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. Alright, another word that is extremely important is prophylactic. We've already seen this word, prophylactic. Prophylactic शब्द का अर्थ हो जाता है प्रिवेंटिव प्रोहिबिटिव, ठीक है. कोई भी चीज़ जो आपको बीमारी से बचाती है, ठीक है, समथिंग दैट इज अ क्योर. हम लोगों ने वर्ड अभी अभी देखा भी था, पनीशिया इज अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस और अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस. सिमिलरली यू हैव द वर्ड प्रोफ्लैक्टिक इज जब आप एक डिजीज का क्योर निकाल रहे हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है.
Another word जिसकी spellings भी आपको याद रखनी है, that's propinquity. That is propinquity. Propinquity, निकटता, समीपता, nearness, closeness, proximity. That is when we are using the word propinquity. Propinquity, निकटता, nearness, closeness, proximity. Propinquity शब्द का use होगा. So you need to remember, this becomes extremely important. Propitious, propitious, कोई भी चीज़ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा favorable होने वाली है, that is when we are using the word propitious. This is a propitious deal for the company. That means it's a favorable deal. अनुकूल है, बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है, auspicious है, promising है, propitious, propitious. So please remember propinquity, निकटता, nearness, जब एक साथ आप रख रहे हैं, ठीक है? Prophylactic, preventive, and propitious is something that is favorable. That is favorable. Okay. Protean, कोई भी चीज़ जो change हो जाएगी, परिवर्तनशील है, अस्थिर है, कोई भी चीज़ जो परिवर्तनशील है, changeable है, variable है, inconstant है, fickle है, something that is going to be oscillating, ठीक है, कोई भी चीज़ जो स्थिर नहीं रहेगी, उसके लिए protean शब्द का use होगा, something that is basically varying, variable है, changeable है, inconstant है, fickle है, परिवर्तनशील है, उसके लिए आप protean शब्द का use करेंगे, something that is inconstant, something that is fickle, that is when you are using the word protean, tabhi aap protean shabd ka prayog karenge, theek hai? So this is something that you need to remember. Providential, providential, something that is ek tarah se achhi cheez aapne kari hai, tabhi aapke provident funds aate hain taki aapko achhi tarah se sahi samay pe wo help kar sakein. So this is also something that you can easily remember, theek hai? Prowess, prowess is when you have the ability, aapke paas dexterity hai, you have the prowess, you have the ability, aapke andar us cheez ki ek tarah se kushalta hai, aap uske liye bahut hi zyada kushal hai, nipun hai, when you have the skill, when you have the expertise, when you have the competence, theek hai? To uske liye hum prowess word ka use kar rahe hain, uske liye hum kya kar rahe hain, uske liye hum prowess word ka use kar rahe hain, theek hai? So whenever you have the skill, whenever you have the ability, dexterity and nipunta hai, that is when we are using the word prowess, that is when we are using the word prowess. Puckish, ab aapka na William Shakespeare ne play likha tha aur us play ke andar ek character tha Puck ka. Puck was a mischievous angel, matlab ek natkhat naughty sa aapka spirit thi, spirit yani ki ghost ek tarah se aap keh sakte hain, angel keh sakte hain, to wahi se shabd aapka aa gaya hai puckish. Puckish ka kya arth ho jata hai? Puckish ka arth ho jata hai shaitan, mischievous, wicked, naughty, that is when you are using the word puckish, theek hai? Puerile, puerile, बहुत ही ज़्यादा बचकाना, बहुत ही ज़्यादा बचकाना, immature, childish, right? So this is something that you can extremely, you can remember this because this becomes important. Pusillanimous, pusillanimous, यानी कि डरपोक, कायर, बहुत ही ज़्यादा डरपोक, cowardly, recreant, recreant, remember the word recreant, timid, ठीक है? That is when you are using the word pusillanimous. Pusillanimous, that means कि बहुत ही ज़्यादा आप कायर हैं, timid हैं, recreant हैं, cowardly हैं, that is when we are using the word pusillanimous. Putrid, putrid is something which is foul smelling, stinking, rotten, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सड़ा हुआ है, दुर्गंध आ रही है उससे, offensive smell है उसकी, stinking है, that is when you are using the word putrid, that is when you are using the word putrid, ठीक है, conundrum is puzzle, जब आप एक तरह के दुविधा में हैं, उलझन में हैं, उसके लिए conundrum शब्द का use होता है. Conundrum is an important word, please remember this. So when we use the word conundrum, conundrum means कि आप एक तरह से उलझन में हैं, आप एक तरह की पहेली में उलझे हुए हैं, riddle में हैं, enigma में हैं, mystery में हैं. It was a conundrum. It was a complete mess. It was a complete conundrum. Puzzle था. Okay, so please remember, putrid के लिए malodorous भी याद रखिएगा, putrid के लिए malodorous शब्द को भी ध्यान में रखिएगा, okay, so for putrid, please remember malodorous word as well, okay, तो यहाँ पर हम लोगों ने कई सारे words को देखे हैं, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, अच्छी तरह से PDF को भी go through कर लीजिएगा, try to remember these words as much as possible, because they are all important for your banking exams, ठीक है, ये आपके as it is directly आ जाते हैं, they can come in the form of spellings, they can come in the form of fillers, they can be asked in the form of your RC passages. You need to be prepared properly. ठीक है? अच्छी तरह से इनको revise कर लीजिएगा. If there are any problems, any mistakes, or sorry, any problems that you're facing, any feedback that you have, please feel free to mention that in the comment section. और अगर कोई और भी problem हो, तो उसे भी share जरूर कीजिएगा. Thank you so much.
Hello and welcome to Bankboard. यहाँ पर हम लोग आपके vocabulary session के साथ हाजिर हैं. जल्दी से कुछ important चीज़ों को देख लेते हैं और आज के इस class के माध्यम से हम कुछ बहुत ही ज़रूरी words को learn करेंगे, ठीक है? These are important words when you talk about your vocabulary, ठीक है? From your vocab perspective, ये सारे के सारे words they are very very important, ठीक है? So without much ado, let's just quickly get started. जल्दी से start कर देते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छी तरह से अपने banking exams की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं पूरे के पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस के लिए. देरी नहीं करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को. हम यहाँ पर आपके वोकैब सेशन के साथ हाजिर हैं. आज का आपका पहला वर्ड है ऑर्निट. आज का आपका पहला वर्ड है ऑर्निट. ऑर्निट का क्या अर्थ होता है? जब भी आप किसी चीज़ को सजा देते हैं, सजावट कर देते हैं, ठीक है, उसे जब आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा बना देते हैं, ठीक है, तो जब आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सजा रहे हैं, एक तरह से डेकोरेट कर रहे हैं, अडॉर्न कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं या अडॉर्न कर रहे हैं, उसके लिए हम ऑर्निट शब्द का प्रयोग करते हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं ही यूजेस ऑर्निट लैंग्वेज टू कन्वे हिज मैसेजेस, ठीक है. तो जब आप बहुत ही ज़्यादा सजावटी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए हम ऑर्निट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है. कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा आप गार्निश कर रहे हैं, जैसे अगर आपने सब्जी बना ली है उसे बहुत ही सजावटी तरीके से अगर आप करते हैं तो दैट्स ऑर्निट, ओके. प्लीज़ रिमेंबर इसके एंटोनिम क्या हो जाते हैं. प्लेन, कोई भी चीज़ जो प्लेन है, सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा प्लेन है, उसके लिए ये आपके ऑर्निट के एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है. अच्छा, एक और शब्द आपका जो है वो है ऑर्थोडॉक्स. एक और शब्द जो आपका है वो है ऑर्थोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स का अर्थ हो जाता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, जो कोई बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एक तरह से स्टेटस को का पालन कर रही है. स्टेटस को यानी कि एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ इवेंट्स. स्टेटस को यानी कि एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, मतलब कोई भी चीज़ जो परंपरागत तरीके से है, कोई भी चीज़ जो ट्रेडिशनल तरीके से है, कस्टमरी तरीके से है, ठीक है, कन्वेंशनल तरीके से है, तो उसके लिए हम ऑर्थोडॉक्स शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है. सो कोई भी चीज़ जो कन्वेंशनल है, कोई भी चीज़ जो ट्रेडिशनल है, कोई भी चीज़ जो कस्टमरी है, उसके लिए आप ऑर्थोडॉक्स शब्द का प्रयोग करेंगे. उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप ऑर्थोडॉक्स शब्द का प्रयोग करेंगे, ओके. सो प्लीज़ रिमेंबर दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, ठीक है. सो अगर हम डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, आज पढ़ूँ कल पढ़ूँ, आज करना चाहिए कल करना चाहिए, आज स्टार्ट करूँ पढ़ाई या कल स्टार्ट करूँ, तो आप क्या कर